हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है इंद्रजीत। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं कांदिवली और चलेंगे ट्रेन से, और उसके बाद वहां के दिखाएंगे आप सबको कुछ नज़ारे, टहलेंगे, घूमेंगे और वहां की सारी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सारा एक्सपीरियंस। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरी देखें, और अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने वीडियो के अगले हिस्से में। हमारा स्टेशन दूसरी तरफ आने वाला है, अब हम चलेंगे दूसरी तरफ। क्या लाजवाब नजारा है दोस्तों। कितनी हरियालियाँ हैं, मस्त एकदम, नेचर भी अच्छा दिख रहा है। आजकल बारिश भी बंद हो चुकी है, तो इस तरह का नज़ारा देख के मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये है लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन में यात्रा करना, वो भी गेट पर खड़े होके, काफ़ी ख़तरों से खेलना होता है, और यहाँ पर काफ़ी सावधानियाँ बरतनी होती है। ये आसपास जो खंभे गुजर रहे हैं, इन खंभों से टकराने का डर होता है, और लोकल ट्रेन काफ़ी स्पीड में चलती है, तो स्पीड की वजह से हाथ छूटने का भी डर रहता है। और अभी कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड के समय में खासकर भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल डे में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ें होती हैं कि भीड़ की वजह से भी छूटने का डर होता है हाथ को, और लोग गिर जाते हैं। बहुत सारे चांसेस जैसे देखने को मिलते हैं कि काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है गिर के। और तो इस वजह से अगर आप भी अगर ट्रेन का सफ़र करें तो सावधानी से करें। और अब हमारी हमारा स्टेशन आ चुका है और आगे दिख रहा है कांदिवली स्टेशन, तो हम कांदिवली स्टेशन पे उतर जाएंगे, और उतरने के बाद हम चलेंगे कांदिवली शहर की तरफ, और वहाँ का भी कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम कांदिवली स्टेशन उतर चुके हैं, और अब हम बढ़ेंगे कांदिवली शहर की तरफ, जो कि कांदिवली शहर ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ है। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हमें कहाँ तक चलना है, ईस्ट में चलना है, वेस्ट में चलना है, और जहाँ भी चलेंगे आप लोगों के साथ वहाँ के वीडियोज ज़रूर आप सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम कांदिवली स्टेशन से उतर चुके हैं, और अब हम चल रहे हैं कांदिवली वेस्ट। तो कांदिवली वेस्ट चल रहे हैं, देखेंगे आज कांदिवली वेस्ट, तो चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं कांदिवली वेस्ट। तो चलने से पहले हम आपको कुछ यहाँ का दिखाना चाहेंगे। ये है कांदिवली वेस्ट का टिकट काउंटर, जो कि लाजवाब टिकट काउंटर है, और यहाँ पर इंसान तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का फैन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ जादुई शक्ति है, इसलिए यहाँ का फैन चल रहा है, बाकी टिकट काउंटर पे कोई है नहीं, सारे टिकट काउंटर बंद है लॉकडाउन की वजह से सब। और यहाँ से रास्ता है वेस्ट में जाने की तरफ, तो रास्ता तो बंद हो गया है, लेकिन रास्ते
जो है बंद होने के बाद भी लोगों ने यहाँ पे रास्ते बना रखे हैं। तो एक छोटा सा रास्ता, इस रास्ते से हम चलेंगे बाहर, और बाहर कुछ इस तरह से मार्केट है। यहाँ पे फलों की मंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दुकान, बेल्ट वाले भाई साहब बेल्ट, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये छोटे मोटे धंधे यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस तरह के बड़े बड़े धंधे भी हैं। तो अभी हम पीते हैं जूस, गन्ने का जूस। क्या भाई, गन्ने का जूस पीना है ना? हाँ, गन्ने का जूस। चलो तो अभी हम गन्ने का जूस पीते हैं। इसके भी छोटे मोटे धंधे हैं, मुंबई में काफ़ी सारे गन्ने के जूस के धंधे हैं, और इससे भी लोग अपना व्यवसाय करते हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुंबई में कमाने का जरिया यही सब है। चाचा, ओ अंकल, ओ देख, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और अभी हम यहाँ का जूस पियेंगे, और जूस भी आप सबको दिखा रहे हैं, लाजवाब जूस। ये है ताज़ा जूस गन्ने का। दोस्तों, आप अगर कहीं भी जूस पीने जाइए तो गन्ने का ताज़ा जूस ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि ताज़ा जूस पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, और आपको पता ही है ताज़ा तो ताज़ा ही होता है। हाँ दोस्तों, गन्ने का ताजा जूस। तो मैं और मेरे भाई जो है, अपने बारे में बताइए कुछ। क्या बताओ, आप बताओ अपना नाम। ये मेरे विक्की भाई हैं। तो मैं और विक्की भाई और पीते हैं गन्ने का जूस। का जूस हम लोगों ने पी लिया, बहुत काफ़ी लाजवाब जूस था। तो दोस्तों, अभी हम जूस पी चुके हैं, और हम चलते हैं अभी कांदिवली वेस्ट। और एक लाजवाब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट हैं वेस्ट में भी, और यहाँ पे आप सबको सारी चीज़ें जो है ख़रीदने के लिए, देखने के लिए मिल जाएंगी। आप जो भी चीज़ें लेना चाहेंगे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये है कांदिवली वेस्ट का मार्केट, और यहाँ की एक ख़ास बात है कि कांदिवली वेस्ट में भी आप मुंबई के बाकी शहरों के वेस्ट में चले जाएंगे तो इस तरह छोटे छोटे मार्केट जो है आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम छोटे छोटे मार्केट रोड पे, फल वाले, सब्जी वाले, कपड़े वाले, ये सारे मार्केट जो है, छोटे छोटे मार्केट जो है देखने को मिल रहे हैं। और एकदम अपनापन लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सारे अपने लोग ही हैं। इधर इधर जो है सब्जी मार्केट है, इधर आप देखिए तो सब्जी और फल, इधर फल, और ये साइड जो है सब्जी लगा हुआ है। और ये आप देखिए कि सूर्या कलेक्शन, छोटा सा मार्केट है यहाँ पर, छोटे से मार्केट में कितनी अच्छी सजावट, कितनी अच्छी, कितने अच्छे अच्छे सामान यहाँ पर बिक रहे हैं। और
अभी पीछे आपने देखा सब्जी मंडी, और यहाँ पीछे आपने देखा सब्जी की दुकान, और यहाँ पर आप देखेंगे सब्जी मंडी। आप देखिए यहाँ की सब्जी मंडियाँ कैसे हैं। आलू कई साइज में यहाँ पे तो आलू बिक रहे हैं, छोटे साइज में, इधर छोटे साइज में, उधर उससे भी छोटे साइज में, उधर बड़े साइज में, इधर आप देखिए कई कैटेगरी के यहाँ पे आलू बिक रहे हैं। तो इन सारी कैटेगरियों के प्राइस भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। कुछ सस्ते होते हैं, छोटे साइज से सस्ते होते हैं, बड़े साइज जो है थोड़े महंगे होते हैं। और यहाँ पे देखिए चाचा जी मस्त एकदम जो है फ़ोन से बात करते हुए धंधा कर रहे हैं, एकदम लाजवाब। तो इस तरह का कांदिवली वेस्ट का मार्केट है। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों कांदिवली तो कांदिवली है, मानना पड़ेगा। तो आप देखिए उधर, उधर जो है आपको देखने को मिल रहा था कि छोटे छोटे मार्केट, छोटी छोटी गलियां, कचरे जैसा मार्केट था, लेकिन आप थोड़े से अंदर हम घुसे तो एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एकदम साफ सफाई, एकदम बड़ा सा शहर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अपने आप में लाजवाब है कांदिवली की। और यहाँ से जो हम चलेंगे आगे की साइड, चले चलो, तो यहाँ से हम चलेंगे आगे की साइड। और दोस्तों ये है कांदिवली का, कौन सा रोड है भाई, ये यमजी रोड। ये कांदिवली का यमजी रोड है, और कांदिवली की यमजी रोड पे ये देखिए बड़े बड़े जो है सौ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितनी सफाई है दोस्तों रोडों पे, जो है हरियाली भी देखने को मिल रही है। आप सोचिए शहरों में यहाँ पे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे हैं, तो मस्त नज़ारा है दोस्तों। आप देखिए ये सारे टावर, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। यहाँ हमारे दोस्त से भी मुलाकात हो गई है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, और शुक्ला जी, ये मेरे मोहित भाई हैं, मास्क निकालिए, और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इनका चैनल हम अपने वीडियो में दे देंगे। और हमारे मोहित भाई मिल चुके हैं, एक अचानक से मिले हुए हैं इस रोड पर, और अभी हम चलेंगे आगे के कुछ सफ़र करेंगे, तब तक बने रहे वीडियो पर। तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों अभी अगर हम आगे की भी वीडियो अगर शूट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो ये यहाँ तक का आप सबको कुछ सीन दिखाते हैं, यहाँ तक का बेहद ही लाजवाब सीन है। और पीछे से कुछ नज़ारा इस तरह का है। तो दोस्तों अब हम करते हैं अपने वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।